गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट भारतीय इतिहास भाग एक विषय 4 लास्ट लेसन विचारक विश्वास और इमारतें यानी कि प्राचीन काल हमारा किस प्रकार था, हमारी सांस्कृतिक विरासत कैसी थी। ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 कहने का तात्पर्य आज से 1000 साल हम पीछे जाएंगे। इस पाठ में क्या देखेंगे कि 1000 वर्ष लंबी यात्रा पर पीछे चलेंगे। सांची की एक झलक इसी लेसन में बताया गया है। भोपाल से 20 मील दूर पत्थर की वस्तुएं हैं, बुद्ध की मूर्ति है और प्राचीन तोरणद्वार है। अर्थात आपने बीच में इतिहास में पढ़ा होगा मेरे आज तक कि हमारे देश के अंदर कर्मकांड, मूर्ति पूजा यानी हिंदू धर्म में बहुत जटिलताएं आ गई। तो दो ऐसे मसीहा बीच में पैदा हुई जिनको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से जानते हैं, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। भोपाल के शासकों ने भी इस रख रखाव के लिए पूरा ध्यान दिया। सुल्तान जहाँ बैगन ने पूरा धन दिया, इसका एक संग्रहालय भी खोला। अब क्या है कि इस लेसन में पढ़ते हैं कि श्रवण क्या है कि उस जमाने में यानी 1000 जब हिंदू धर्म में बहुत सी जटिलताएं आ गई, कर्म कांड आ गए, अनेकों प्रकार के एक व्यक्ति को उस धर्म के नाम पर अनुष्ठान करने पड़ते थे, तब शिक्षक और विचार जो स्थान स्थान पर घूमकर अपने विचार दावा से लोगों को अवगत कराते थे। कैसे कि समाज के अंदर आप सिर्फ कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना रखें। परमात्मा एक है, आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने कर्म का अच्छे प्रकार से समावेश करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परमात्मा आपको कष्ट नहीं देगा। कुटागार शालाएँ क्या होती थी? नुकुली छत वाली झोंपड़ी होती थी, यानी कि जंगलों में आपने पहले ऋषि मुनि देखा होगा। इस प्रकार क्या होता था कि वहाँ पर जो घुमक्कड़ लोग हैं, चाहे वो अध्यापक थे, चाहे वो साधु थे, चाहे वो संत थे, वो घूमते घूमते आ जाते थे, आपस में विवाद विवाद करते थे कि कौन सा धर्म अच्छा है कौन सा नहीं है, कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। स्तूप एक टीला होता है, आज भी मिल जाएगी जब महात्मा बुद्ध या अन्य किसी पवित्र भिक्षु के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे आजकल हम स्टेचू कह सकते हैं। संत चरित्र, संतों की पूरी जीवनी, चाहे वो गुरु नानक देव की जीवनी हो, चाहे आपके बाबा रामदेव की जीवनी हो, चाहे महात्मा बुद्ध की जीवनी हो, चाहे आपके महावीर स्वामी की जीवनी हो। चेते किसे कहते थे? सौगाह के बाद अवशेष रखे जाते थे, यानी कि सब के बाद। अब बहुत से हमारे महापुरुष हैं, उनका समाधि स्थल हर जगह बना हुआ है, उनके कोई अवशेष जीवनी के रखे हुए हैं, आप जानते हैं। तीर्थकर जैन परंपरा के अनुसार ऐसे महापुरुष जो लोगों को संसार रूपी सागर से पार करा सके, यानी ये संसार क्या है, कहते हैं अहिंसा में विश्वास रखें। संसार बिल्कुल दुखों का घर है, लेकिन यदि आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो आपके पास दुख आएंगे। वैष्णव क्या था? सिख और उपासक लोगों को वैष्णव कहा जाता था। महामृत्युष्करण कहते हैं कि बुद्ध का घर त्याग। आपने पढ़ा होगा कि एक बार महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जिनका नाम था, वह अपने महल से बाहर निकले और उनका टकराव इनकाउंटर विदे एक व्यक्ति मरा हुआ था उससे हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुआ, एक भीख मांग कर जीवन व्यतीत कर रहा था उससे हुआ, लोगों की गरीबी देखी। और उस वक्त ही उस सिद्धार्थ गौतम ने अपने घर को वहीं पर त्याग कर दिया। जो गाड़ी, घुड़सवारी, राजतिलक, वो कपड़े थे, सारे के सारे वहीं छोड़कर जंगलों में ज्ञान की सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। महापरिनिर्वाण क्या होता है कि बुद्ध के देहावसन के बाद बौद्ध परंपरा को आगे बढ़ाना। बौद्ध धर्म पूरे संसार में बड़ा फैला फूला, आज भी बौद्ध धर्म के लाखों करोड़ों अनुयायी है। क्या कहते हैं कि कर्म कांडों के खिलाफ आंदोलन। अभी वर्तमान में तो बहुत से
क्रमकांड काफी कम हो गए, अभी भी गांव लेवल पे अंधविश्वास में जीने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं। क्रमकांड को उनसे कई बार देखते हैं कि एक रास्ता चार जगह पर बंटता है, उसमें कुछ लोग चीजें रख जाते हैं। कई बार देखा होगा कि पशु जब दूध नहीं देता तो पता नहीं घर की लेडीज हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के पास, किसी न किसी साधु या आश्रम में चली जाती है कि हमारे पता नहीं क्या हो गया, जबकि हो सकता है कि उसको पट्टे ना डाले हों, हो सकता है कि पशु बीमार ना हो। तो इस प्रकार के आज अंधविश्वास थोड़े से कम हुए, लेकिन पुराने जमाने में बहुत थे। सत्य, अहिंसा, तपस्या, पुनर्जन्म, कर्मफल, प्रवर्त, वाद विवाद। सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, तपस्या क्या है, पुनर्जन्म क्या है, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म जैसे अनुयायियों ने, तीर्थकारों ने इस पर बहुत प्रकाश डाला। जैन धर्म का फलाभ 23वें तीर्थकार महावीर स्वामी, ये एक ब्राह्मणवादी जो समझ थी उससे अलग उन्होंने एक समाज की रचना की। आज भी आप देखते हैं कि कई बार सड़क में बिल्कुल सफेद कपड़ों में, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, नंगे पांव मुंह पे आपका कपड़ा लगाया हुआ, क्योंकि ये अहिंसा के बहुत ही खिलाफ है, आपको चलते हुए मिल जाएंगे, वो जैन धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध जिनके अंडरस्टूड है अष्ट मार्ग, और महात्मा बुद्ध को 7 साल जंगल भटकने के बाद में आपने 10th में पढ़ा होगा एक वृक्ष के नीचे ओथ सप्त लेकर बैठे कि जब तक ज्ञान का प्रकाश, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश परमात्मा का नहीं होगा, इस पेड़ के नीचे नहीं उठेंगे। बताते हैं कि महात्मा बुद्ध के चारों तरफ दीमक ने अपना घर भी बना लिया था, लेकिन वो ज्ञान के प्रकाश से नहीं उठे। एक बार हाथी वाली कथा आती है कि जहाँ पर महात्मा बुद्ध रह रहे थे कि एक मस्त हाथी, पागल हाथी आ गया, गांव के लोग डर गए और महात्मा बुद्ध वहीं पर बैठे रहे और उसको काबू किया। इसी प्रकार आपने 10th में पढ़ा था कि एक और जिसका जवान बेटा गुजर गया था और वो औरत मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा 17-18 साल की उम्र है, वो कैसे मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। वो डॉक्टर के पास गई, अड़ोसी के पास गई, पड़ोसी के पास गई कि मेरे बेटे को ठीक करे। किसी ने बताया कि एक महात्मा है वो आपके बेटे को ठीक करेगा। तो आपने स्टोरी को पढ़ा कि जब महात्मा बुद्ध के पास गई और उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे की जान बख्श दो, उसे बचा लो, उसका इलाज करो, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बहुत ही सिंपल है, आप किसी के घर से गेहूँ एक मुट्ठी या एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ और आपका बेटा जीवित हो जाएगा, लेकिन उस घर में ये जरूर पूछना कि आज से पहले इस घर में किसी की मृत्यु हुई या नहीं हुई है। और जब गांव में शहर में जाती है, हर घर में जाती है, तो वो कहते हैं कि जीवित तो हम लोग कम हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा और पता नहीं कितने इस संसार से चले गए, तो कोई उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिलता। तब उस औरत को एहसास होता है कि जीना और मरना दोनों अटल सत्य है, जो आया है वो जाएगा सृष्टि में। महात्मा जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बाद में बन गई, महायान और हीनयान, जिसको हम इजी तरीके से बड़ा जहाज और छोटा जहाज भी कह सकते हैं। प्रमुख पुराण हम भारतीय संस्कृति, भारतीय हिंदू धर्म का देखें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भागवत, शिव, गरुड़।